इस साल पड़ोसी देश चीन में एशियाई खेलों का आयोजन होने वाला था। इस महाकुंभ की शुरुआत 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक झांगझाओ प्रांत में चलने वाली थी, लेकिन टूर्नामेंट पर कोरोना महामारी का ग्रहण लग गया है। दरअसल झांगझाओ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद के महानिदेशक ने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि 19वें एशियाई खेलों को जो 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच झांगझाओ प्रांत में आयोजित किया जाने था, इसे एक विशिष्ट तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही नए तारीख की घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में चीन में कोविड-19 संक्रमित मरीजों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। हाल ये है कि चीन के प्रमुख शहर शंघाई में पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन लगाया गया है। आम लोग खाने पीने के लिए भी बेहाल है। इस दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मुहैया भी पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। राजधानी बीजिंग में शंघाई जैसा लॉकडाउन ना लगाना पड़े, इसके लिए मौजूदा सरकार बड़े स्तर पर टेस्टिंग अभियान चला रही है। बीजिंग और शंघाई में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीते गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों से कोविड शून्य नीति का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि महामारी की रोकथाम महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।